भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू एवं सीओ शंभु शरण राय की देखरेख में मत्स्य जीवी के अध्यक्ष पद का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया गया। इस दौरान सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर के द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने को लेकर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। बता दें कि मत्स्य जीवी के अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार चुनावी मैदान में है, जिसमें अरुण विंद, ललन विंद और अमर विंद शामिल है, जबकि इसके लिए कुल मतदाताओं की संख्या 875 है। वहीं बात अगर वोटिंग की करें तो इसको लेकर बनाए गए 2 मतदान केंद्र पर दोपहर तक 460 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था, जबकि इसके बाद भी मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। इधर मतदाताओं ने वोटिंग के दौरान कहा कि जो प्रत्याशी मछुआरों के हित को ध्यान में रखकर और विकास कार्य करने वाला होगा उसी को वो अपना नेता चुनेंगे। मतलब दे रहे हैं, वोटर गिर रहा है, वोट हो रहा है। हाँ, वोट हो रहा है। कैसा प्रत्याशी आप लोग चयन कर रहे हैं इस बार? चयन क्या करेंगे, जिसको जो इच्छा होगा अपना अपना कर रहा है। कैसा उम्मीदवार आप इस बार चाह रहे हैं आप लोग? अब जो मिल जाए, जो काम करने वाला, जो काम करने लायक होगा वो अपना बनेगा, वो जीतेगा। हाँ, वो जीतेगा। वोट दिए? हाँ, वोट दिए। वहीं पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय में मत्स्य जीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मंगलवार को मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं सुरक्षा के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्र कुमार चक्रवर्ती के निर्देश पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न कराया गया। बता दें कि पीरपैंती मत्स्य जीवी अध्यक्ष पद के चुनावी मैदान में 4 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 2309 मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के दौरान मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। इधर मतदाताओं ने सभी मछुआरों को सरकारी लाभ दिलाने की बात करते हुए कहा कि उन्होंने मछुआरों की जरूरतों और सुविधा के लिए कार्य करने वाले प्रत्याशियों को वोट किया है। वहीं थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद के निर्देश पर अध्यक्ष पद के शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मौके पर मतदाताओं और पुलिस बल सहित विभाग और प्रखंड के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पखवाड़ा को लेकर भागलपुर के तिलकामांझी स्थित एक विभाग भवन में सम्मान समारोह सह परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आपातकाल काला दिवस पर परिचर्चा में बोलते हुए वक्ताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के तानाशाह रवैये पर सवाल खड़े किए, जबकि कार्यक्रम में जेपी आंदोलन से जुड़े कई सेनानियों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे समेत कई जेपी सेनानियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि दी, जबकि केंद्रीय मंत्री ने जेपी आंदोलन में शामिल होने वाले जेपी सेनानियों को अंग वस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके अलावा कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान देश भर के लोगों को हुई समस्या और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लिए गए फैसले की जमकर आलोचना की गई, साथ ही लोगों की परेशानियों पर भी चर्चा हुई। मौके पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता समेत कई बुद्धिजीवी के अलावा जेपी आंदोलन से जुड़े सेनानियां भी मौजूद रहे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है और उसमें विशेष रूप से आपातकाल के दिनों को जो लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ और जिसको कहते हैं कि आपातकाल के बाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 74 के आंदोलन और 75 के उस आपातकाल से बाद में जो 77 में लोग जेल से छूटे और इमरजेंसी बाद में हटा, तो ऐसे आपातकाल के बाद उसे दूसरी आज़ादी के रूप में अगर देश में 1947 में पहली आज़ादी देश को मिला तो दूसरी आज़ादी 1977 में इमरजेंसी के बाद जो लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में 74 आंदोलन और आपातकाल के दिनों में हजारों लोग जेल के अंदर बंद रहे वर्षों तक, कई लोग शहादत भी हो गए।
दहेज लेने को कई लोग अपना स्टेटस समझते हैं। आए दिन कोई ना कोई बेटी दहेज की समस्या को लेकर मौत की बलि चढ़ती रहती है। एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री दहेज प्रथा के खिलाफ समाज सुधार यात्रा के बहाने समाज को जागरूक करते रहे हैं, वहीं कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ सदियों से बिना किसी दहेज के विवाह की परंपरा जारी है। दरअसल आदिवासी समाज के लोग बिना दहेज के शादी कर दहेज लोभियों को आईना दिखा रहे हैं, जिससे इस कुप्रथा से छुटकारा पाया जा सके। बताया जाता है कि आदिवासी समाज में वर पक्ष ही कन्या पक्ष को शगुन देता है और सदियों से बिना तिलक दहेज के शादी विवाह की परंपरा को समाज में आज भी कायम रखा गया है। खास बात यह है कि समाज में वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को 12 रुपया बतौर शगुन के रूप में देने की प्रथा है। वह इसको लेकर आदिवासी समाज के महुआ चक गौ निवासी रामदेव हास्ता, सुरेंद्र सोरेन और गीता ने बताया कि उनके पूर्वजों ने इस नियम की शुरुआत की थी, जिसे आज भी निभाया जा रहा है। साथ ही कहा कि इससे परिवार और समाज में आपसी प्रेम भी कायम रहता है, जबकि दहेज सहित विवाह के बावजूद समुदाय में शादी भी नहीं टूटती है। नहीं नहीं, हम लोग दहेज नहीं देते हैं। दबाव भी कभी किसी कहीं किसी नहीं, दबाव रस्म ही नहीं है। हम लोगों आदिवासी में रस्म ही नहीं है दहेज का। अच्छी बात जी। और दूसरी है क्या, सिंदूर दान के बाद दूसरे दिन हम लोगों में गिड्डी चिमोड़ा आता है। गिड्डी चिमोड़ा मतलब पहले प्रधान करेंगे, प्रधान करने के बाद हर गांव हर घर से उनको 1 रुपया 2 रुपया ये मतलब जथा शक्ति जितनी शक्ति है देने का सबको दिया जाता है। अगर यदि हो तो लड़का को बर्तन, लड़की को बर्तन, ग्लास कटोरा, जो भी जितना अपना आदमी मतलब चलने का है उतना वो देता है। हम लोग संथाल में देखिए दहेज लेना अपराध है, जो हम लोग नहीं लेते हैं दहेज। ठीक है। और शादी तो देखिए सिंपल होता है, ऐसे तो बहुत ही मने की लंबा चौड़ा होता है, जैसे 5 दिन का होता है शादी, किसी किसी 6 दिन का भी चल जाता है। और लड़का तरफ से आता है उधर से खाना पीना, वो लोग का हम लोग यहाँ से नहीं देते हैं, जो मने की जारन सब ये सब देते हैं, कढ़ाई सब खाना वो लोग खुद बनाते हैं। जी हाँ। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच पानी की समस्या भी गहराती जा रही है। निगम प्रशासन की लचर व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण इस चिलचिलाती धूप में लोग दूर दूर से पानी लाने को विवश हैं। वार्ड 13 पर्वतीय बूढ़िया काली स्थान के पास बोरिंग नहीं होने के कारण सैकड़ों घरों को भीषण जल समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर कुछ दिन पूर्व स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना युवा समाजसेवी विजय कुमार यादव को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थल का चयन कर अपनी निजी कोष से बोरिंग करने का वादा किया था। इसी कड़ी में पर्वतीय बुढ़िया काली स्थान परिसर में बोरिंग का काम शुरू कराया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन विजय कुमार यादव द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि बोरिंग नहीं होने के कारण कई महीनों से हम सबों के बीच पानी की घोर समस्या उत्पन्न हो गई थी। घर के सदस्य दूर दूर से ढोकर पानी लाने को विवश थे। उन्होंने विजय कुमार यादव का धन्यवाद देते हुए कहा कि वे हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है और हम सबों का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। उन्होंने जो वादा किया था वह पूरा किया। वहीं युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि पूरे शहर में लोग पानी के लिए परेशान हैं और नगर निगम एवं वर्तमान जनप्रतिनिधि जल संकट की समस्या दूर करने में पूरी तरह विफल है। उन्होंने बताया कि मैंने लोगों की जरूरत और परेशानियों को देखते हुए कई वार्डों में बोरिंग के साथ टंकी लगवा कर घर घर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था अपने निजी कोष से किया है। इस अवसर पर लालू मंडल, राजा ज्योतिष मंडल समेत वार्ड के कई लोग मौजूद रहे। ये भागलपुर नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नंबर 13 है, जो ये पर्वतीय मोहल्ला है
यहाँ पे लोगों की समस्या थी पानी की, सबसे बड़ी समस्या, और पानी के लिए लोग महिलाएं बच्चे दूर रोड तक जाता था पानी के लिए। और यहाँ पे इन लोगों का एक बैठक हुआ था जिसमें मैं आया था, यहाँ मुझे बुलाया गया था। देखिए पानी की घोर समस्या है, तो देखते वहाँ पे प्याऊ जो है मैं अपनी निजी खोज से दिया हूँ यहाँ पे, और लोग में खुशी है कि यहाँ पे प्याऊ हो जाएगा, करीब सैकड़ों घर इससे लाभान्वित होंगे। आज हमारे पार्वती बुढ़िया काली मंदिर में युवा समाज से भी हमारे विजय भैया की तरफ से यहाँ पे प्याऊ का निर्माण के लिए बोरिंग का आज उद्घाटन का कार्यक्रम था। हम सब बहुत दिन से बोल रहे थे भैया को कि भैया यहाँ पे पानी का समस्या थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, और हमारे बातों को रखते हुए हमारे विजय भैया और यहाँ के महिला सब ने भी आग्रह किया था कि या एक तो बोरिंग की व्यवस्था यहाँ पर किया जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विजय भैया आज यहाँ पे बोरिंग का शिलान्यास करवाए हैं, जिससे कि यहाँ पर के कम से कम लगता है 100 घर को कम से कम उनसे बहुत सारी जो भी पानी की दिक्कत था वो समस्या खत्म हो जाए। भागलपुर लाजपत पार्क में नगर निगम द्वारा कूड़ा गाड़ी खड़ी करने के विरोध में मंगलवार को एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों से टहलने और खेलकूद के लिए आने वाले युवाओं एवं आम लोगों ने नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर से लाजपत पार्क मैदान से कूड़ा गाड़ी हटाने की मांग करते हुए कहा कि कूड़ा कचरा ढोने वाले वाहनों की दुर्गंध से वहां आने वाले को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इसको लेकर आलोक राज ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व ही इस मांग के लिए नगर आयुक्त कार्यालय में आवेदन दिया गया था, जहां नगर आयुक्त ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक यहां से कूड़ा गाड़ी नहीं हटवाई गई, जिसके दुर्गंध के कारण लोगों और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो आके आम लोगों को सड़क पर आकर आंदोलन करना उनकी विवशता होगी। मौके पर प्रियांशु झा, बादल कुमार, आदित्य झा समेत कई युवा कलाकार, खिलाड़ी और आम लोग मौजूद रहे। हम लोग का बस इतना ही है कि आज से एक सप्ताह पहले हम लोग नगर आयुक्त को एक एप्लीकेशन लिखे थे कि लाजपत पार्क भागलपुर में यहाँ पे जितना भी कूड़ा करकट का गाड़ी लगता है उसको खाली कराया जाए, और ये हम लोग का एप्लीकेशन है, और इसमें देखिए 150 आदमी लोग ने इसमें साइन किया है, ये आप देख सक रहे होंगे। और इतना लोग ने साइन किया, उसके बाद हम लोग वहाँ पर दिए नगर आयुक्त को, और उसके बाद इसका रिसीविंग भी दिए, और बोले क्या कि ठीक है हम लोग देखते हैं। यहाँ जब देख रहे हैं एक सप्ताह के बाद भी कोई भी जरा सा भी काम, यही था कि कूड़ा करकट का गाड़ी ये लोग नगर निगम वाले लोग लगा देते हैं यहाँ पे लाजपत पार्क फील्ड में, जिसमें कि बच्चा बुतरू लोग बहुत जाता है इधर उधर से, गाड़ी उसी क्रम में आना जाना सुबह सुबह, अब कोई बच्चा दबा जाएगा चपा जाएगा तो उसका फिर जवाबदेही कौन लेगा। हमारी मांग सीधी सी है कि ये कचरा गाड़ी को यहाँ से हटाया जाए लाजपत पार्क से और डीएम आवास पे लगाया जाए या डीएम ऑफिस में लगाया जाए। इस गाड़ी से बच्चे को और भी मतलब यहाँ जितने भी आते हैं लोग सभी को परेशानी होती है इस गाड़ी से, इससे वातावरण दूषित हो रहा है, बच्चा लोग खेलते हैं तो उसमें भी तकलीफ होता है, गाड़ी में कचरा सब रहता है, बॉल वगैरह जाता है तो बच्चा वही कचरा छू के निकालते हैं, बीमारी भी फैल सकती है।